वेलकम टू ब्रेन्स की बात। आज हम लोग बात करेंगे एप्पल टीवी का एक नया शो आया है सर्वेंट के बारे में। सर्वेंट सीजन वन शुरू होने से पहले सीजन टू रिन्यू हो गया था, तो हम लोग को पता चल जाता है कि सीजन वन का एंड जो होता है वो सीजन टू में भी कंटिन्यू जरूर होगा। और ये सीरीज डायरेक्टर एम नाइट शयमालन के होने के कारण एक्साइटमेंट और क्रेजी ट्विस्ट होने वाला भी है, ये भी गारंटीड था। और ऐसा ही हुआ, एपिसोड 10 तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और बहुत कुछ रिवील हुआ लास्ट एपिसोड में। तो इस वीडियो में हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो पूरा स्टोरी बताना पड़ेगा। और ये वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लग गया हम लोग को, तो ज़रूर हम लोग को लाइक कर देना ये वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी करना और बेल बटन भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। कहानी एक फिलाडेल्फिया का कपिल शॉन और डोरोथी के बारे में है। शॉन एक अवार्ड विनिंग शेफ है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, और डोरोथी एक जाने माने न्यूज़ रिपोर्टर है। बाहर से देखने में लगता है कि दोनों की ज़िंदगी में अपने जॉब्स में बहुत कुछ पाया है, पर सब खुशहाल है और घर भी बहुत बड़ा है, पर दोनों ही बहुत परेशानी में जी रहे हैं। स्पेशली डोरोथी बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड है अपने बेटे जेरिको को खोने के बाद। डोरोथी को इतना शौक लगा कि वो स्टेट ऑफ कैटाटोनिया में चली गई थी, जो कि एक व्यवहार सिंड्रोम है जो आपको समय रूप से अपना काम और मूवमेंट से असमर्थ कर देता है। डोरोथी को उससे बाहर निकलने के लिए शॉन को एक रिबॉन डॉल का टेक्निक होता है, जिसमें ट्रांजिटरी ऑब्जेक्ट थेरेपी नाम का एक टेक्निक है, जिसमें डोरोथी मानता है कि जो गुड़िया है वो असल में उसका बच्चा ही है। उन्होंने अपने बच्चे का डेथ का न्यूज़ भी किसी को नहीं बताया था। डोरोथी के फादर को, अपने थेरेपिस्ट और अपने भाई शॉन का जो भाई है जूलियन, जिसे हम सभी रॉन हैरी पॉटर के कैरेक्टर से जानते हैं, वो छोड़कर शॉन अपने बीवी डोरोथी को इतना प्यार करता है कि वो ये डॉल का नाटक करना शुरू कर देता है। लेकिन मुश्किल तब शुरू होता है जब डोरोथी ने एक सर्वेंट बुलाता है, अपने सन है जो कि एक डॉल है उसके लिए। डोरोथी को वो असली डॉल लगता है, इसलिए वो जब अपने काम के लिए बाहर जाए तब एक सर्वेंट का ज़रूरत था, लेकिन उनके घर में आता है लियान। अब शुरू होता है शो का असली कॉम्प्लिकेशन। प्रॉब्लम यही है कि लियन देखने में तो बहुत सुंदर सुशील एक लड़की है, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत अजीब है। शॉन और डोरोथी के घर पे आने के बाद ही लियन को शॉन बोलती है कि ये रिबॉन डॉल है, तुम्हें सिर्फ नाटक करना होगा। लेकिन शुरू से ही जेरिको को असली मानकर चलती है लियन। शॉन पहले सोचा कि शायद वो थोड़ा पागल है और वो एक्टिंग कर रहा है डोरोथी को खुश करने के लिए, लेकिन एक दिन सबसे अजीब और असंभव चीज़ सच हो जाता है। शॉन ने देखा कि गुड़िया अचानक असली बच्चे में बदल जाता है, और पूरा सीजन ही इस पे बेस्ट है कि शॉन क्या करता है उस बच्चे के साथ, वो बच्चा आया कहाँ से। वो डोरोथी को डायरेक्टली भी बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसको तो लगता है कि बच्चा असल में रियली है। और लियन के बारे में हम लोग जब और जानने लगे तो कहानी और भी अजीब होने लगा। शोज देखते देखते आपको 10 से ज़्यादा थ्योरीज अपने दिमाग में लाओगे, उनमें से कुछ तो मिल जाएगा और बहुत कुछ डिफरेंट होने वाला है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है, ये शो मुझे फर्स्ट टू लास्ट पूरे तरीके से बांध के रखा। एक भी मोमेंट में नहीं लगा कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है। लेकिन ये शो में फूड का बहुत सारे सीन्स है जो एक वीगन के लिए देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उससे मिलते जुलते हॉरर को अपने लाइफ में मिला देता है। कोई ज़्यादा क्लीशेड हॉरर सीन्स नहीं है, लेकिन एक बहुत स्मार्टली एक अनोखा BGM जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो चलता रहता है और आपको मजबूर करता है कि आप नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। और ये भी एक मस्त बात है ये शो की कि वो लोग एकदम लास्ट 2-3 एपिसोड से पहले मोस्टली कुछ रिवील ही नहीं करता है, इसलिए यू आर काइंड ऑफ फोर्स टू वॉच द एंटायर सीजन। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो जेरिको को हुआ क्या था और वो डॉल के जगह बेबी आया तो आया कैसे? सो पहले शो के स्टार्टिंग में हम लोग को सबसे ज्यादा शक जूलियन और शॉन के ऊपर जाता था, क्योंकि वो दोनों का इरादा सही नहीं लगता था हम लोग को। ऑब्वियसली लियन को काउंट हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है ही शो का। एकदम लास्ट में हम लोग जानते हैं कि जेरिको के जन्म होने के बाद डोरोथी बहुत परेशानी में जी रही थी, क्योंकि शॉन को एक कुकिंग शो में हेड जज का रोल मिल जाता है, जहां पर उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर रहना पड़ता है। उसी टाइम पर डोरोथी को सब अकेले में करना होता है, उसको बाहर जाना होता है, उसको बाजार जाना होता है, उसके घर के काम में बिजी रहना होता है, और जेरिको तब बहुत छोटा था, तो आप समझ ही सकते हो कितना परेशानी में वो जी रही थी कि सब कुछ करना होता था उनको। और इन्हीं में से एक दिन में डोरोथी बाजार जाके आई और जेरिको को अपने गाड़ी में रखकर चली आई घर पे। और उन दिनों फिलाडेल्फिया का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज़्यादा हो रहा था, और पूरा दिन जेरिको वो गाड़ी में विदाउट वेंटिलेशन, और इसी कारण हाइपोथर्मिया से वो मर गया। आप समझ ही सकते हो कितना दर्द हुआ होगा। ऑब्वियसली ये होने के बाद आपको पता ही चल रहा होगा कि क्यों कभी कभी मेंटली शॉक में वो चली जाती है और एक स्टैचू की तरह वो बैठी रहती है, क्योंकि पहले से मैं बता चुका हूँ आपको कि डोरोथी स्टेट ऑफ कैटाटोनिया में चली गई थी। तो ये सब होने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि टर्नर्स जो है, जो कि शॉन और डोरोथी का लास्ट नेम है, वो बहुत कोशिश कर रहा था लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और तभी आ जाता है लाइफ में लियान। अब एम नाइट शयमालन का जो सभी शोज और मूवीज में वो अपने क्राफ्ट को पूरी तरह से आपको बंद देता है कि आप देखते रहो, और इस शो में भी वो वही किया। इस शो में कास्ट भी बहुत छोटा है और कोई ज़्यादा लोकेशन भी नहीं है वो घर के अलावा, और ये सब होने के बाद भी उन्होंने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि आप लोग को लगे कि आप शॉन और डोरोथी के जो दोनों का अलग दर्द भरा स्टोरी है उससे आप घुल मिल जाओ। अब लियान के बारे में बात करते हैं, वो आया कहाँ से, करने क्या चाहती थी, और ये बेबी के साथ उसका रिश्ता क्या था।
शॉन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने भाई जूलियन को सब कुछ बता देता है। और शॉन और जूलियन मिलकर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को पकड़ता है जिसने पता लगाता है लियन के घर का पता और वो बचपन में क्या करती थी। और ये ढूंढने के बाद वो लोग उसके बचपन के घर पे चला जाता है और वहां जाके देखता है कि लियन के घर वो पूरी तरह से जल गया है, कुछ भी बचा नहीं है, सिर्फ एक पुतला है। शॉन देखता है कि वो सेम टू सेम पुतला उसके घर में भी मौजूद है और ये देखकर शॉन और भी ज्यादा परेशानी में आ जाता है। फिर जूलियन और वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जाता है कब्रिस्तान में और वहां जाकर देखता है कि लियन का नाम का एक लड़की थी और वो पहले से ही मर चुकी है। अब शॉन को और भी डर लग जाता है क्योंकि होने को तो दो चीज हो सकता है, एक लियन ने किसी और के बच्चे को स्मगल करके लाया होगा उसके घर पे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि लियन को पता कैसे चला कि एक कपल है जिसके बच्चे का मौत हो गया है, उसकी माँ को अभी लगता है कि उसका बच्चा अभी जिंदा है और कोई भी बच्चा लाके उन्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है। और उसके डैड भी कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसको बीवी को लगता है कि वो बच्चा अभी जिंदा है और उसका है, लेकिन उसका मौत भी हो चुका है। तो ऐसा कपल ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा लॉजिक था कि लियन को कुछ सुपरनेचुरल पावर है और जिससे वो किसी भी मरे हुए चीज़ को वापस जिंदा कर सकती है। जैसे कि हम लोग एक एपिसोड में देखते हैं कि शॉन ने बहुत कोशिश की थी लियन को अपने घर से भगाने के लिए और वो क्रिकेट जो इंसेक्ट होता है वो बहुत सारा लाया एक बॉक्स के अंदर और वो छोड़ दिया था लियन के बेड के ऊपर और लियन ने क्रिकेट को मार दिया था और फिर अजीब तरह से वो क्रिकेट फिर से जिंदा हो गया एपिसोड के एंड पे। और एक एपिसोड में हम लोग ये देखा कि एक स्ट्रे डॉग होता है जो रास्ते का कुत्ता होता है जो लियन और शॉन के घर पे घुस गई थी और वो डॉग जाके जूलियन को अटैक करने ही वाला था, तब जूलियन उसको मार देता है। और कुछ ही देर बाद लियन अपने एक बाइबल के साथ प्रे करती है और एक अलाइव डॉग घर से निकल जाता है। तो ये हुआ कैसे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो डॉग मर चुका है और कुछ ही देर बाद वो जिंदा भी हो जाता है। और तब स्टोरी को और भी अजीब करने के लिए आ जाता है लियन का अंकल जॉर्ज और वो शो के अंदर आने से और वो शो के अंदर आने के बाद ही पूरा शो का वायुमंडल बदल गया। उसे देख के लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। शॉन तब घर पे नहीं था और उसे जब पता चला कि लियन का कोई रिलेटिव आया है तो वो इमिडिएटली डॉरोथी को बोलता है घर से उसे बाहर निकलने के लिए और जूलियन को बोलता है घर पे रहने के लिए। लेकिन अंकल जॉर्ज को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए था, लियन को घर लेके जाने के लिए वो आया था और लियन जाना नहीं चाहती थी। और तब अंकल जाने से पहले यही बोल के गया कि तुम मेरे को ना बोल सकती हो लेकिन अपने आंट को नहीं बोल पाओगी। और इसके बाद हम लोग आते हैं शो के लास्ट एपिसोड में। डॉरोथी को पहले एपिसोड से हम लोग देखते रहते हैं कि वो हमेशा चाहती थी कि सब लोग ये जान पाए कि उसको कितना सुंदर छोटा सा प्यारा सा एक बच्चा हुआ है। तो लास्ट एपिसोड में डॉरोथी और शॉन अपने बेटे जेरिको के बैप्टिज्म के लिए बहुत लोगों को इन्वाइट करता है अपने घर पे और उसने जेरिको का प्लेसेंटा जो फ्रिज में रखा था वो पहले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं और उससे क्रोकम बुश बना डालता है, जिसे देख के मेरे को सिर्फ एक ही बात याद आया कि मैं कभी किसी बड़ा शेफ के घर पे जा एटलीस्ट ये तो नहीं खाऊंगा। एनीवे स्टोरी में वापस आता है, वो लोग चर्च पे लिया हुआ वीडियो घर पे आके देखते हैं और जूलियन को तब फिर से अंकल जॉर्ज और एंट में दिखाई देता है, जिसे देख के जूलियन प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बोलता है कि उन लोग को गाड़ी से उड़ा दे। उसके घर पे एक और बच्चा भी आ गया था जिसके हाथ पे एक डॉल था जिससे डॉरोथी बात कर रही थी। ये सीन लाया गया है क्योंकि इससे डॉरोथी का बहुत कुछ मिलता जुलता सिचुएशन है। वो बच्चे अपने डॉल को नाम से बुलाती है और उसे सच मानती है, जो कि एक बच्चे के लिए होता ही रहता है और बहुत लोग ने बार्बी को सच मान के छोटे उम्र में खेला ही होगा। और इससे डॉरोथी को थोड़ी बहुत होश आता है कि ये पूरी टाइम वो किसी डॉल को अपने घर पे रखा है और उसे सच मानती है। उसे पूरा स्टोरी याद आ गया जेरिको के बारे में। उसी मीन टाइम पुलिस आके वो बच्ची को ले जाता है क्योंकि वो शॉन डॉरोथी के घर पे आ गई थी अपने खुद की मॉम को छोड़कर। सिमिलरली जैसे लियन को लेने के लिए उसकी आंट में और अंकल जॉर्ज आने वाला है, एंड एज एक्सपेक्टेड आंट में जाके लियन से मिलती है और उसे वापस आने के लिए बोलती है और शॉन से मिलता है अंकल जॉर्ज। शॉन उससे पैसा देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो पैसे के लिए अपने घर पे आया होगा। शॉन को इन द एंड महसूस होता है कि वो अपने बीबी को बहुत प्यार करती है और उसे जो बेबी लियन के आने के बाद फिर से जिंदा हो गया या फिर लियन उसको लेके आई थी वो अपने खुद का बेबी जेरिको मानने लगना शुरू हो गया था और वो लियन को कभी खोना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि जेरिको भी उसके साथ चला जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे क्लाइमेक्स में हुआ तो हुआ क्या। लियन अपने असली माता पिता के घर पे आग में मरी नहीं थी, एंट में और जॉर्ज ने लियन को अपहरण कर लिया था जब वो बच्ची थी और उसके घर को जला दिया था और शायद उसके माता पिता को भी मार डाला था क्योंकि सबको लगे कि लियन मर चुकी है क्योंकि वो दोनों एक कल्ट लीडर था जिसका नाम है चर्च ऑफ लेसर सेंट्स और उनके आश्रय लेके वो बड़ी हुई। जैसे शॉन ने एक अनजन बच्चा जो मर चुकी है सबको लगा लेकिन फिर से जन्म उठा जेरिको को अपने घर पे रखा हुआ था। अंकल जॉर्ज पहले ही बताया था कि लियन को जो प्यारा लगता है उनके लिए वो कुछ भी कर सकती है और हमने देखा कि वो डॉरोथी से बचपन में मिलती है और तब से उसे लगाव था और इसलिए वो ढूंढ के डॉरोथी से मिलता है और उसके बच्चे को वापस ला के दिया है। लेकिन उससे शॉन से प्रॉब्लम हो गया था और लियन जिसको नफरत करती है उसे वो बहुत परेशान करता है। शॉन का जो टेस्ट बड्स है वो काम नहीं कर रहा था जो कि एक शेफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके शरीर से जो वो छोटा काट का स्प्लिंटर्स होता है वो भी मिल रहा था। और बाद में हम लोग ये भी देखते हैं जब से लियन को पूरा स्टोरी पता चला जेरिको के मौत के बारे में तब से वो शारीरिक रूप से डॉरोथी को पीड़ा दे रही थी और उसके नाजुक मानसिक स्थिति का फायदा उठा रही थी। लेकिन एंड में का मकसद था उसे वापस लेने के लिए और वो लियन को स्पष्ट रूप से बताता है कि वो उन लोग का सर्वेंट है डॉरोथी और शॉन का नहीं। अंत में लियन इस बात को इनकार नहीं कर पाता कि वो एंड में और जॉर्ज के साथ वो बड़ी हुई है और लियन जेरिको को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। लियन को लाने के लिए पूरा कल टर्नर्स के घर के सामने आया हुआ था।
तो सब लोग पूरा सबके अंदर वो धाक गई थी, जैसे एक रपच्चर हो रहा हो। अब रैप्चर एक कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी का, जिसमें संकल्पना है और पुनर्जीवित विश्वासियों है, वो सब अपने लॉर्ड से मिलता है क्लाउड में एकजुट होके। और सेम तरीके से लियन भी अपने कल्ट मेंबर से मिल रही थी, और लियन को शायद किसी एजेंडा के लिए जरूरत था, इसलिए उसको वापस लिया गया है। और वो सब गायब भी हो जाता है पुलिस के सामने, जैसे कि डोरोथी ने रिपोर्ट किया था कि एक पुलिस शूटआउट हो रहा था और शायद वो घर के आग में जल के सब मर गया था, और फिर लियन ने सबको फिर जीवित कर दिया था। अब आपको दो चीज सोच के सीजन 2 का वेट करना होगा। अगर आप लोग विश्वास करोगे कि वो बच्चा असल में था, और पुलिस का चक्कर देख के लियन जल्दी से उसे भी लेकर चली गई, और शायद वो असल में सुपरनेचुरल पावर होने के कारण सबको जीवित करती थी, और वो घर से जाने के बाद अपने साथ साथ जेरिको का भी आत्मा ले गई। अब सीजन 2 में ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे पहले मैं बताया क्यों लियन को ले गई आंट में और जॉर्ज, और अब शॉन और डोरोथी जेरिको को पाने के लिए कुछ भी कर लेगी, और लियन को पसंद भी है आना उनके घर पे। लियन का रोल भी पता चल सकता है उस कल्ट में, और अगर उसके पास पावर्स है तो वो आई कहाँ से, और ऑब्वियसली शो का मेन पार्ट जेरिको का क्या होता है। ओवरऑल शो बहुत बढ़िया है, क्रीपी एटमोस्फेरिक थ्रिलर विद सम हॉरर मोमेंट्स विच वर इन क्लीशेड एनफ विच मेक्स इट मोर पावरफुल, एंड पूरा शो का एक्टिंग से एटमोस्फेयर चेंज कराता है, लेकिन टेक्निकल साइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप भी बोलिए शो कैसा लगा, आपको क्या लगता है शो के बारे में, एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड वो बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बना के अपलोड करने के लिए बहुत टाइम चला जाता है, एंड वी जस्ट वांट अ सिंपल लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आप नहीं करोगे तो आपको लियन जैसा एक सर्वेंट सेंड कर दूंगा आपके घर पे। लेकिन सच में सोचे तो लियन कुछ खराब भी नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ खुशहाली देना चाहती थी डोरोथी और उसके परिवार को, और प्यार भी एक्सपीरियंस करना चाहती थी। एनीवे दैट्स इट गाइस, टेक केयर एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।